प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे और खासकर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग मजेदार और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारा साहब, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। मोदी जी का बड़ा चर्चा है सर, वो सिंगापुर और ब्रुनाई दोनों जगह पे गए हैं और बहुत साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनको भी काफी उम्मीद है कि मोदी जी कोई रोल प्ले करेंगे यूक्रेन के साथ, जो उनकी वॉर चल रही है उसको खत्म कराने में। क्या कहेंगे आप उनके विजिट्स को लेकर? आज मैं दो चार चीजें डिस्कस करूंगा, वो बातें कुछ इस तरीके से हैं कि दर हकीकत मैंने बताया था कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो दो नए ग्रुप बन रहे हैं उनका बड़ा इस वक्त प्रेशर है, चाइना का भी और भारत भी है, रशिया भी है, और इस खित्ते के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है। मैं थोड़ा थोड़ा सारी चीजों को टच करूंगा फिर कंक्लूड करते हैं। देखिए, मोदी साहब गए यहाँ से सिंगापुर, सिंगापुर से गए ब्रुनाई, और ब्रुनाई के बाद उन्होंने बल्कि सिंगापुर पे बड़ा बड़ा रिसेप्शन जबरदस्त था उनका। ब्रुनाई जाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि ब्रुनाई को एक तो खतरा है चाइना से, उनको साउथ चाइना सी में, और दूसरा वहां से भारत तेल बहुत लेता है वहां से, ब्रुनाई से तो उनके कस्टमर भी हैं। दूसरा, आर्मी के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए कि साउथ चाइना सी के अंदर जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन चाइना को है वो वहां से, वहां के गैस और ऑयल के रिजर्व से। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा, 5 मुल्कों की वहां पे क्लेम है, जिसमें फिलिपीन भी शामिल है, जिसके अंदर दूसरे कई ममालिक हैं, मलेशिया है, ब्रुनाई है, लेकिन चाइना ये कहता है कि ये सारा खत्ता सिर्फ हमारा है। उसके बाद सिंगापुर गए और वहां पे मोदी साहब दो चीजें जो खासकर मैं समझता हूँ जो पहले किसी प्रेसिडेंट ने नहीं की, जो हमेशा करते हैं, एक तो भारतीय डायस्पोरा को तवज्जो देते हैं, दूसरा जो भारतीय इन्वेस्टर हैं उनको वो हमेशा प्रमोट करते हैं उस कंट्री के अंदर जाके। इस वक्त सिंगापुर में ना सिर्फ उन्होंने जाके 4 MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, सेमी कंडक्टर जो है इस वक्त दुनिया के 10% से ज्यादा सिंगापुर में बनते हैं, और वो सेमी कंडक्टर बनाने के उन्होंने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। उसके बाद कई सिग्निफिकेंट चीजें उन्होंने की है, खासकर इस्ताना जो वहां के प्राइम मिनिस्टर की रिहायश है उसको इस्ताना कहा जाता है, इस्ताना में उनका डिनर किया गया, बहुत लंबी चौड़ी उनको प्रोटोकॉल दिया गया, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन की कॉन्ट्रैक्ट। लॉरेंस वॉन्ग है जो वहां के वजीर आजम है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त रिसेप्शन दिया मोदी साहब को। मोदी साहब जब गए वहां पर ढोल बजा रहे थे, मोदी साहब ने खुद ढोल भी वहां बजाया। तो देखिए, लेकिन अल्टीमेटली दो चीजें हैं, जिस तरह मोदी साहब अपने डायस्पोरा को प्रमोट करते हैं, अपनी करेंसी को प्रमोट करते हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करते हैं UPI को, और उसके बाद अपने जो इन्वेस्टर्स हैं जो भारतीय जिनको वो उस कंट्री के अंदर, डॉक्टर जय शंकर साहब ने भी कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए। तो ये तो दर हकीकत जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त, और दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना के अंदर इस वक्त 51 अफ्रीकन कंट्रीज के लीडरान वहां पे इकट्ठे हैं इस वक्त, और अपना मसल फ्लेक्स कर रहे हैं चाइना। चाइना की इस वक्त बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, लेकिन वो अगर देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा थ्रेट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को है, जो वो कंट्री सारे इकट्ठे हुए, अमेरिका बिल्कुल इस चीज पर तवज्जो नहीं दे रहा, ब्रिक्स भी एक्सपेंड कर रहा है, ब्रिक्स के जो नए मेंबर हैं वो ईरान से तेल लेंगे, अपना फाइनेंशियल सिस्टम उन्होंने बना लिया है। दूसरा जो प्रेसिडेंट शी है वो प्रेसिडेंट शी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना इज गोइंग टू पाकिस्तान, वो जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है उसको अटेंड करेंगे। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर देखा जाए तो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी पर तवज्जो नहीं दे रहा है उसके साथ। लेकिन 50 मुल्कों के जो इस वक्त अगर देखा जाए, तो मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था
कि 30 जो चाइना है वो 30 मेगा प्रोजेक्ट करेगा अफ्रीका के अंदर, $210 बिलियन 3 सालों के अंदर उनको क्रेडिट लाइन दी जाएगी $210 बिलियन की 3 साल में इस्तेमाल करने के लिए, और $51 बिलियन जो है वो एड पैकेज दिया जाएगा 3 साल के अंदर। ये बहुत बड़ा पैकेज है अफ्रीका के लिए। तो अफ्रीका पहले भी अमेरिका की अपनी कमजोरियों की वजह से वहां पे कई एक्सक्लूसिव, जिस तरह जिबूती में उन्होंने अपनी आर्मी बेस बना ली, वहां पे कई इस तरह मुल्कों के अंदर चाइनीज कंपनियां जो है वो अपने मसल फ्लेक्स कर चुका, अपना असर रसूख जो है वो बढ़ा रही है। इसमें जो मजीद इसमें मैं जो ऐड करना चाहूंगा वो ये था कि अल्टीमेटली चाइना कोई भी काम ऐसा कच्ची जमीन के ऊपर वो पांव नहीं रखते हैं, जो उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सारे अगर देखा जाए तो प्रेडेटरी लैंडिंग करते हैं। मैं जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैं देख रहा था कि जैम्बिया पहले ही बैंक्रप्सी कर चुका है, ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी के थाने पर है, और दूसरा जो कहना है उसके भी हालात खराब है। जब मैं सारी चीजों के बारे में देख रहा था तो साथ ही मुझे याद आया आपके वो डॉक्टर कैसर बंगाली साहब ने अगले दिन एक जो नई चीज बताई है कि ग्वादर के अंदर, ग्वादर की पोर्ट के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के पास 9% शेयर्स है, बाकी सारे शेयर्स चाइनीज के, बाकी सारी ओनरशिप ग्वादर पोर्ट की या सारे उस प्रोजेक्ट की ओनरशिप सारी उनके पास है, 9% सिर्फ पाकिस्तान के पास है। और सिर्फ आज तक डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया गया ताकि अवाम चीखे नहीं। तो चाइना प्रेडेटोरी लैंडिंग करता है प्रेडेटोरी तरीके से, जिस तरह श्रीलंका में गए थे उनको बैंकरप्सी के थाने पे लेकर बाद को भारत में रेस्क्यू करना पड़ा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि चाइना का एक उन्होंने तरीकाकार बना रखा है कि करप्ट जो रजीम्स होती हैं, करप्ट लीडर होते हैं, उनको पैसे देते हैं, वो पैसे वो सीधे लेकर लंदन और दुबई चले जाते हैं और कौम जो है पीछे से सफर करती है। तो यही बिल्कुल अफ्रीका के अंदर भी होगा कि करप्शन के जरिए जो लोग होंगे वो पैसा सारा लंदन और दुबई ले जाएंगे, पीछे से कौम सफर करेगी। ये चाइना का एक टिपिकल स्टाइल है प्रेडेटरी लैंडिंग। लेकिन सर फिर तो पाकिस्तान की तबाही में सभी का हाथ है, ना तो फौजी को अलग किया जा सकता है ना सिविलियन को। आरजू पाकिस्तान में आपका कसूर भी, आपका कसूर, पाकिस्तान के अंदर जो भी जिंदा चीज है पाकिस्तान की तबाही में उसका हिस्सा है, तबाही में उसका हिस्सा है। बिल्कुल हर शहरी जो है वो करप्ट है, वहां हर शहरी करप्ट, हर पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोगों का कसूर है, एक बंदे का कसूर नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आप कहें नहीं जी ये सियासतदान बड़े गंदे हैं जी, जाजे बड़े भैड़े हैं जी, फौजी बहुत गंदे हैं, सबके सब गंदे हैं भाई, सबके सब, सबका। तो सर इनको क्या, सर इनको बैठ के खाने की आदत पड़ गई है, अब ना ये कोई फैक्ट्रीज ओपन करते हैं ना ये कोई ट्रेड करते हैं, ये सिर्फ डोनेशंस और लोन्स पे कब तक मुल्क चलेगा। मेरे जैसे बंदे ने मजबूर होकर सारी चीजें, आपकी हिस्ट्री पढ़ी, प्री पार्टीशन की हिस्ट्री पढ़ी, पठानों ने जिस तरीके से मारा इस कहा के उनका देखा, गोरे चंद आए थे, चंद चंद लोग हजारों में आते थे, महाभारत के ऊपर वो सत्यानाश करके चले गए कल्चर का, जबान का, जाके मैं देखता हूं रुकता किस चीज पे, वहां के डीएनए, डीएनए हमारा डीएनए ऐसा है सर। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अभी बलूचिस्तान में जो आईडी कार्ड देख के मारा गया था पंजाब के लोगों को, वो कहते हैं कि ये खुद करवाया गया है, ये लोगों ने खुद किया है एस्टेब्लिशमेंट ने, या भाई करवाने वाले भी तो पाकिस्तान में से ही हैं, पाकिस्तान को बेचने वाले भी तो पाकिस्तान के अंदर से हैं, वो कौन से फ्रेंच है, आपके चीफ जस्टिस फ्रेंच तो नहीं ना, यही की पैदावार है ना, जर्नैल फौजी सारे यही की पैदावार है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पासपोर्ट ही लेके फिर रहे हैं ना, नाम भी मुसलमानों वाले हैं, और अक्सर आपके लोग इंडिया से माइग्रेट होके आए जो इस पर रूलिंग है, इंक्लूडिंग आपके बड़े बड़े होते हैं, सब सब इंडिया से माइग्रेट करके जलीलो ख्वार होके वहां से गए, जरा देखने को उनको शर्म नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं इस कंट्री के अंदर। 7 लाख से 20 लाख लोगों का मर्डर हुआ है 1947 में, उसको उनको कोई हया नहीं है कि हम ये क्या हो रहा है इसके अंदर, हम इस कंट्री को क्या हमने बनाया है, हर हर एयरपोर्ट पे थप्पड़ पड़ते हैं, नीचे से चौथे नंबर पर है आपका पासपोर्ट, नीचे से चौथे नंबर, ऊपर से तो सऊदी अरब भी नहीं आने दे रहा, उसने भी कहा है कि लोग कम करो, माफी मांग रहे हैं यार ना आओ इधर, खुदा का नाम है तो मिन्नते कर रहे हैं वो, आपको उनके एम्बेसडर यहाँ पे मिन्नते करते हैं यार इनको, लोगों को यही रखो खुदा का नाम, इस वक्त भिखारी आप सबसे बड़ी चीज क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भिखारी खैरात मांगने वाले सऊदी अरेबिया में, दुबई में, हर कंट्री, जापान में आप चले गए,
दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद तारा साहब का पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव व्यूज खासकर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपको काफी पसंद आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।